स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उन कामों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए सूरज ढलने के बाद, जिसके चलते आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते भुगतने होंगे भारी परिणाम। तो आइए आपको बताते हैं कौन से है ये काम जो आपको नहीं करने चाहिए। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो शास्त्रों में इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और शास्त्रों में ही बताया गया है कि सूरज ढलने के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। कौन से हैं ये काम, बताते हैं आपको हमारी रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगा होगा और घर में तुलसी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए और इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से समृद्धि दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला ये काम है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से घर की खुशियाँ और गुड लक खत्म हो जाता है और इसीलिए सूरज ढलने के बाद घर में बैठे रहने और पढ़ने के बजाय खेलना चाहिए या फिर कोई दूसरी शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए और इसीलिए शाम के समय टहलने और खेलने के लिए कहा जाता है। वहीं बात करते हैं अब तीसरे काम के बारे में। किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और काम के बारे में, सूर्यास्त के बारे में। कभी भी अपने बालों को नहीं काटना चाहिए और ना ही शेव करवानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद बाल कटा लेते हैं या फिर शेव कर लेते हैं तो ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आती है। जी हाँ, नकारात्मक असर पड़ते हैं और धन की हानि होती है। और इस तरह से देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद ये जो काम किए जाते हैं, सूर्यास्त के समय ये जो काम किए जाते हैं, उससे माँ लक्ष्मी यानी कि धन की देवी रूठ जाती हैं। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि शाम के वक्त वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना निषिद्ध है और इस समय केवल साधना, भजन, आरती, दीपदान करना, ध्यान लगाना काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आपको ये काम भूलकर नहीं करने चाहिए जो कि आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके चलते भारी परिणाम भी भुगत सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।